हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिपुष्कर योग में आ रहे धनतेरस के दिन झाड़ू से किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, दीपावली पंच दिवसीय होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस से होकर भैया दूज तक चलती है। इस साल धनतेरस 22 और 23 अक्टूबर दो दिन मनाया जाएगा। ऐसे में दो ही दिन शुभ योग और पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस साल 23 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार त्रिपुष्कर योग में शुभ कार्य करने पर उसमें 3 गुना अधिक सफलता प्राप्त होती है। 23 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:50 से शाम 6:02 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू से किए जाने वाले एक उपाय के बारे में। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने की परंपरा बेहद ही प्राचीन है। इस दिन किए गए झाड़ू के कुछ उपाय बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इस बार धनतेरस का त्योहार 22 और 23 अक्टूबर को है। ऐसे में आप दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है, इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए और साथ ही इस दिन आप किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें, ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। धनतेरस के दिन लाई नई झाड़ू से पूरे घर में सफाई करें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां लोगों की नजर न जाए। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ध्यान रखें कि झाड़ू का कभी भी अनादर न करें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू को इस दिन भूलकर भी न फेंकें। धनतेरस की शाम पुरानी झाड़ू की पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें। घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार अमावस्या या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वैसे वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शनिवार को धनतेरस है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन घर की पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। जय मां लक्ष्मी।